हेलो गाइस, तो यहाँ पे हम बात करते हैं एनसीएल रिसर्च एंड फाइनेंस सर्विस लिमिटेड कंपनी के बारे में, जिसकी अभी करंट प्राइस चली 0.75 पैसे। एंड स्टॉक की अगर हम बात करते हैं तो अपर सर्किट के साथ स्टॉक चल रहा है। 4.17% के आसपास स्टॉक में जो अपर सर्किट लगा हुआ है, 5 दिन की बात करते हैं करीब 10% के आसपास स्टॉक ने रिटर्न निकाल के दिया। देन 1 मंथ की अगर हम बात करते हैं करीब 1 महीने में 44% का काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है स्टॉक ने। वहीं पर अगर हम बात करते हैं 6 मंथ की तो करीब 92% के आसपास स्टॉक ने काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है। देन लास्ट ईयर की बात करते हैं तब भी स्टॉक ने 19%। देन अगर हम यहाँ पर 5 ईयर्स की बात करते हैं तो आपको देखने को मिल जाएगा कि स्टॉक ने 5 साल में 837% के आसपास काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है। एक टाइम पे स्टॉक की प्राइस 40 पैसे के आसपास चल रही थी, उस टाइम पे जब मैंने बोला था इसे बाय करने के लिए। देन अभी तक स्टॉक ने अभी बाय नहीं किया आपने, तो इसका एक बार फंडामेंटल चेक करेंगे। फिर भी अगर बाय करने का मौका मिलता है तो इसे बाय कर लेना। अगर हमें फंडामेंटल ठीक नहीं लगता है तो स्टॉक से हम दूरी बना के रखेंगे। तो एक बार इसका फंडामेंटल ज़रूर चेक करना आप भी, और करते हैं यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो फाइनेंस रिलेटिव जो स्टॉक है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो आप देख सकते हो बैंकिंग से रिलेटिव जो है, तो इसमें थोड़ा बहुत कर्जा हो सकता है। बाकी बीएससी में कंपनी लिस्टेड है। 80.3 करोड़ का स्टॉक का मार्केट कैप है। स्टॉक की अगर हम 92 हाई की बात करते हैं तो 80 पैसे, 92 किलो की बात करते हैं 0.35 पैसे। स्टॉक की यहाँ पे अगर हम पीई की बात करते हैं तो 55.4 निकल के आती है। बुक वैल्यू अगर की हम बात करते हैं तो 1.40 रुपये स्टॉक की बुक वैल्यू। अगर हम डिविडेंड की बात करते हैं तो कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। आरओसीई की बात करते हैं तो 0.98% है। एंड फेस वैल्यू स्टॉक की 1 रुपये देखने को मिल जाती है। साथ में यहाँ पे अगर हम बात करते हैं लास्ट ईयर चार्ट पैटर्न, तो स्टॉक ने ठीक ठाक रिटर्न दिया है। देन अगर हम बात करते हैं अप्रोच की, तो आप देख सकते हो कंपनी हैज रिड्यूस डेट एंड कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी के ऊपर कुछ खास कर्जा नहीं है। आगे अगर हम बात करते हैं तो कंपनी यहाँ पे आपको 8 नंबर पर देखने को मिल जाएगी। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं तो सेल्स कंपनी के इंक्रीज हुए हैं। ओपी में यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो माइनस में है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं ईयर बाय ईयर बेसिस में, जिसमें कि सेल्स कंपनी के यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे इंक्रीज हुए। ओपी एम यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो इंक्रीज हुआ है। एंड अगर हम बात करते हैं सेल्स ग्रोथ ठीक ठाक, प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक ठाक है, सीएजीआर रिटर्न भी ठीक ठाक है। रिटर्न ऑन इक्विटी हालांकि कुछ खास नहीं है। साथ में बात करते हैं बैलेंस शीट की, जिसमें रिजर्व कंपनी का यहाँ पर आप देख सकते हो कम हुआ है। साथ में कर्जा कंपनी के ऊपर कुछ भी नहीं है। एंड टोटल एसेट कंपनी के यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा कम हुए हैं। एंड अगर हम नेट कैश फ्लो की बात करते हैं तो माइनस में। बाकी अगर हम शेयर होल्डर पैटर्न्स की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की यहाँ पे कुछ भी होल्डिंग नहीं है। 100% जो है पब्लिक इसमें इन्वेस्टेड है। बाकी अगर आप बाई करना चाहते हो 100, 200, 500 रुपये इसमें डाल सकते हो। इससे ज़्यादा पैसे अगर डालते हो तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा रिस्की है। देन ये वीडियो खाली एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो अगर आप बाई करते हो तो एक बार अपनी रिसर्च एनालिसिस ज़रूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।